अभ्यर्थियों। आप बात कर लेते हैं भोपाल की बड़ी खबर, आपको बता दें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मदरसों को निर्देश सामने आया है, मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को बाहर निकाले, ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कहा है। सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया गया आयोग की तरफ से और कहा गया कि इस्लामी संस्थान आरटीआई अधिनियम में नहीं आते हैं। प्रदेश में 1755 मदरसे पंजीकृत हैं और आपको बता दें कि 9417 बच्चे इसमें पढ़ाई कर रही है और ऐसे में आयोग ने ये बड़ी बात कही है कि जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में उनको यहां से बाहर निकाला जाए और दूसरे स्कूलों में भेजा जाए। आपको बता दें कि समय समय पर हमने देखा है मदरसों को लेकर कई तरह का विवाद भी छिड़ता आया, कई तरह के सवाल भी खड़े होते आए हैं। अब आयोग ने ये बड़ी बात कही है। 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, 9417। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना का जो अधिनियम है वो मदरसा को परिभाषित करते वक्त ये साफ साफ बताता है कि मदरसा वो संस्थान होंगे जहां इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए और हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई है। रंजना, मध्य प्रदेश में हमने देखा मदरसों को लेकर तमाम सवाल खड़े होते आए हैं समय समय पर, अब प्रियंका कानूनगो ने जिस तरीके से सुझाव दिया है और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जो हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जाए और तमाम तर्क भी दिए गए हैं इसके पीछे उनकी तरफ से, तो क्या लग रहा है कि राज्य सरकार का क्या एक्शन हो सकता है इसके बाद? देखिए, अभी जो बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम तथ्य हैं वो रखे थे और मध्य प्रदेश सरकार से ये अपील की है कि जो भी हिंदू बच्चे हैं उनको मदरसों से बाहर निकालें, क्योंकि मदरसे जो हैं आरटीआई के अंदर नहीं आ रहे हैं और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो आरटीई के तहत जो मिलती हैं वो वहां पे नहीं मिल रही है और जो शिक्षक मदरसों में पढ़ा रहे हैं ना तो उनके पास कोई डिग्री है, तो ऐसे में उन बच्चों को बाहर निकालें। लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है क्योंकि उन्होंने आंकड़े भी सामने रखे हैं कि प्रदेश भर में 1755 मदरसे पंजीकृत हैं और इसमें करीब 9417 जो हिंदू बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन बच्चों को बाहर निकालें और जो सामान्य स्कूल हैं उनमें प्रवेश कराकर इनको आरटीई के तहत जो अच्छी शिक्षा है वो दी जाए। अब यही देखना होगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार से आंकड़ों के साथ जो प्रियंका कानून को है उन्होंने अपील की है, इसके बाद सरकार की जो तरफ से क्या कुछ कदम है इन बच्चों को बाहर निकालने के वो उठाए जाते हैं या फिर उनकी तरफ से भी कोई जो दिशा निर्देश है इन बच्चों के लिए जारी किया जाता है या नहीं, प्रशंसा ये अभी फिलहाल देखने वाली बात है और कोई जो निर्देश है वो जारी होंगे तो ये आने वाले 1 से 2 दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जी फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रंजना। और इसी के साथ बुलेटिन में रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबर।